जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सैम कोलकाता से और आप देख रहे हैं सैम्स ट्रेल्स। पिछला एपिसोड जो था वो विक्टोरिया मेमोरियल पर था। उसका फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मैंने विक्टोरिया मेमोरियल नॉर्थ गेट के सामने का दृश्य है या फिर गार्डन एरिया और जुबली मोन्यूमेंट्स को दिखाया था, और साथ में जितनी भी जानकारी मुझे उस वक्त प्राप्त हुई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आज का जो ये एपिसोड है ये पार्ट टू है, और यही विक्टोरिया मेमोरियल का आखिरी एपिसोड होगा मेरी तरफ से, जहाँ पे मैं म्यूज़ियम के बारे में इनसाइड आउटसाइड दोनों ही उसके बारे में शेयर करूँगा मैं उसको आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पिछला वीडियो, और लगा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये फ्री है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा सो दैट मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि हर संडे को मैं आप लोगों के सामने एक नया बंगाल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेके आ सकूं। और फर्दर आगे बढ़ने से पहले आज जगद्धात्री पूजा है, नवमी का दिन है, तो मेरी तरफ से आप लोगों का हार्दिक शुभेच्छा। आप लोगों का दिन अच्छा हो, आप लोगों का साल आने वाला अच्छा हो, तो इसी मनोकामना के साथ मैं आज का ये एपिसोड आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। आप देखिए, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है कि आप बहुत कम लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, मुझे क्या सुधार करना है मेरे चीज़ों पे। तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए। और मैं मानता हूँ कि जो पिछला वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो चुका था, मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियोज़ जो है वो 20-22 मिनट के अंदर अंदर कम्प्लीट हो जाए। तो चलिए चलते हैं, फिर आज शुरू करते हैं। पूरा म्यूज़ियम वाइट मकराना मार्बल से बना है। वैसे पता चला है कि ये उसी ग्रेड का मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ हुआ था, और इसको भी राजस्थान से ही मंगाया गया था। वैसे इस आर्किटेक्चर को इंडो सैरासनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर कहते हैं। सेंट्रल डोम के सामने आपको कुछ एलोगेरियल फिगर्स देखने को मिलेगी। देखिए, ये डोम के सबसे ऊपर हाथ में ट्रम्पेट लिए ब्रोंज की जो एलोगेरियल फिगर देख रहे हैं, इसको एंजल ऑफ विक्ट्री कहते हैं। इसका हाइट करीब 16 फीट की है। इसको ज़मीन से 60.8 मीटर ऊपर रखा गया है। कभी ये घुमा भी करते थे हवा के झोंके से। ये पूरा मार्बल कंस्ट्रक्ट भवन जो है, इसका डायमेंशन जो है बाई और लेफ्ट टू राइट 103 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो 69 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो 56 मीटर है। ये मेमोरियल बनाने की सोच उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कर्जन का था, और इसके आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट थे वो विलियम एमर्सन थे। इससे पहले ये जो एरिया जो है मेमोरियल का जो एरिया, ये पूरा का पूरा जेल हुआ करता था, प्रेसिडेंशियल जेल। तो फिर उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया अलीपुर में, और उसके बाद फिर यहाँ पे उसको गिरा के फिर ये मेमोरियल तैयार किया गया। वर्ल्ड वार टू के समय जापानीज एयर रेड बॉम्बिंग से बचने के लिए, इस मेमोरियल को बचाने के लिए इसको काला पेंट किया गया था। तो चलिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। वैसे मुझे क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से कैमरा को बंद करना पड़ेगा यहीं पे। मैं मेमोरियल के अंदर आ चुका हूँ, और मुझे चारों ओर नेताजी सुभाष चंद्र जी के काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर और उनसे रिलेटेड बैनर देखने को मिल रहे हैं।
सामने कांच का पिलर और उस पर बंगला में लिखा है जय हिंद। उनकी पूरी जीवन को और उनके द्वारा बनाया गया आईने को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। ये देखिए आईने के कुछ बैजेस जो उस वक्त उनके सोल्जर्स लगाया करते थे। यूरोप में निष्कासन के दिनों में नेताजी ने ये टोपी पहनी थी। ये है आजाद हिंद फौज के सेनानी का धूप का चश्मा। इस साल विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए अभी जितनी भी गैलरीज हैं उन सभी गैलरीज को नेताजी गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल में 25 गैलरीज हैं। इनके कलेक्शन में वेस्टर्न पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, लिथोग्राफ्स एंड एंटिक्स, रेयर फोटोग्राफ्स, मैनुस्क्रिप्ट्स, रेयर बुक्स, आर्म्स एंड आर्मरी से रिलेटेड चीज़ें, स्केचेस, टेक्सटाइल्स, मैनिएचर्स आदि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आकर आप उनके द्वारा दी गए स्पीच को भी सुन सकते हैं, वो भी उनके ओरिजिनल वॉइस पर। ऐसी अनुभूति बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आइए सेंट्रल हॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त कुछ विजुअल प्रोजेक्शन हो रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। बीच में एक और कांच का पिलर रखा हुआ है और इसी पोजीशन में पहले यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू रखा हुआ था। मेरे ख्याल से जितने भी कांच के पिलर्स बनाए गए हैं वो के बीच किसी न किसी का स्टैचू रखा हुआ है। वैसे ऊपर का जो फ्लोर है वो सब बंद कर दिया गया है। बरांडे पे भी जाने का रास्ता बंद है। वहाँ से भी बहुत अच्छा विजुअल आप लोगों को देखने को मिलता अगर खुला होता। ऊपर देखिए आप सेमी सर्कल पर क्वीन विक्टोरिया की जीवन शैली पर कुछ चलचित्र। ये आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल का ऊपरी भाग का आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुराने फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो प्रतिलिपियां हैं उसको देखते हैं एक बार।
ये है प्रोटोटाइप जो आप विक्टोरिया मेमोरियल का बाहर से देख रहे थे। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये तांतिया का अचकन है। यहाँ पे इनके कुछ केस रखे हुए हैं। और इसके अपोजिट में आपको देखेगा एनफील्ड का बंदूक, ये देखिए। चलिए बाहर निकलते हैं। ये जो गेट है ये साउथ साइड का गेट है और जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था वो था हमारा नॉर्थ साइड का दरवाज़ा था। वो इधर कैंटीन और वॉशरूम है और ये आउटर है। तो ये है बैक साइड का, पीछे की तरफ से देखिए। और ये 42nd, साथ में टाटा स्टील की बिल्डिंग। और जस्ट इसका अपोजिट में आपको देखेंगे ये अपोजिट में पार्क है, बिल्कुल सेंटर में। दोनों तरफ से दो रास्ते जा रहे हैं, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। और ये आपको AGC बोस रोड की तरफ लेके जाएगा, क्रॉस करने पे SSM हॉस्पिटल है। और ये देखिए एडवर्ड फोर्ट, ये देख रहे हैं एडवर्ड सेवन। ये देखिए एडवर्ड सेवन का घुड़सवारी करता हुआ स्टैचू। नीचे तो पहरेदार हैं, क्या है पता नहीं। आर्क बना हुआ है ये एक, नीचे पीछे विक्टोरिया मेमोरियल का बैक साइड। एक्चुअली ये जो पेड़ है ये इससे विजुअल को डिस्टर्ब कर रहा है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो का, इस ब्लॉग को से साइन ऑफ करता हूँ, उसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और साथ में अपने माँ बाप और अपने आसपास का भी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। तो दोस्तों जाते जाते एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। बस एक गलती हो गई थी, मैंने जो पार्क का नाम कहा था शायद मयूरभंज कहा था या क्या है मुझे ख्याल नहीं है। वैसे यहाँ से भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं पिछले गेट से, मोहरकुंज पार्क जो है वो है असली नाम। मैं गलत शायद बोल गया हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वैसे आप मेरे पीछे से देखिए थोड़ा सा लाइट होता हुआ, ये विक्टोरिया मेमोरियल। मैं एक का जो आखिरी क्लिप है उसको आपके लिए दिखाते हुए इसको यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ।